नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 5G इंटरनेट का मज़ा अपने मोबाइल फ़ोन में लेना चाहते हो, यानी कि आपका 4G फ़ोन है और आपका नेट तेज़ नहीं चलता है, यानी कि स्पीड से नहीं चलता है, 5G की सेटिंग करना चाहते हो जिससे आपका नेट बहुत फास्ट चलेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके गाइज नहीं रखा है तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैसे आपको 5G की सेटिंग करनी है जिससे आपका नेट बहुत फास्ट चले। तो आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। तो मोबाइल की सेटिंग में आपको यहाँ पर आना है, और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं दोस्तों फटाफट आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से सेटिंग ऑन कर लो और आपका नेट फास्ट चल जाए। तो यहाँ पर आपको जैसे सेटिंग में आ गए हो, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आपको टिक कर लेना है। अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क दिखाई दे रहा है तो इस पर टिक कर लेना है। ये टिक करने के बाद मेरे मोबाइल में एक ही सिम लगा है और जियो का सिम लगा है। अगर आपके कोई और सिम भी है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना और उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे फटाफट से आ जाना है। मेरे फ़ोन में दोस्तों 5G फ़ोन है, लेकिन अभी इसमें 4G की सेटिंग है, मैंने भी 5G सेटिंग कर दिया है तो नेट काफ़ी फास्ट चल रहा है। अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम दिखाई दे रहा है तो इस पर टिक कर लेना है। ये टिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जियो का मैंने एक ही यहाँ पर बना रखा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नया IPN बनाना है, तो नया IPN बनाने के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर प्लस के आइकन पर टिक करोगे तो ये नया IPN पूरा क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको यहां पर टिक करना है, और यहां पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपको यहां पर लिखना है पूरा 5G सारे कैपिटल में लिखना है, और फिर आपको यहां पर लिखना है बेटा, आपको यहाँ पर 5G बेटा 2.0 लिखना है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं लिख देता हूँ 2.0। ये लिखने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है, ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर APN डालना है, तो APN के अंदर आपको क्या डालना है, आपका जो सिम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मेरा जियो का सिम है तो यहाँ पर मैं जियो लिख दूंगा, और आगे आपको यहाँ पर 5G लिख देना है, यहाँ पर 5G कर देना है। उसके बाद इसे भी आपको ओके कर देना। प्रोक्सी से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, और पोर्ट में भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यूज़र नेम की बारी आती है, तो यहाँ पर आपको फिर से वही लिख ना है 5G हेक्सा बेटा। लिख के इसे ओके कर देना है। अब अगला काम आपको क्या करना है, पासवर्ड में आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्वर पर आना, और यहाँ पर आपको सर्वर डालना है। तो सर्वर आपको यहाँ पर www.google.com फटाफट से टाइप कर देना है। मैं भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है, और सारा कैपिटल लिखना है। ये लिखने के बाद आपको इसे भी ओके कर देना है। अब आपको MMSC से छेड़छाड़ नहीं करनी है, MS प्रोक्सी से नहीं करनी है, पोर्ट से भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, और सीधा आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप दिखाई दे रहा है तो इस पर टिक करना है, और सबसे नीचे आपको PAP CHAP पर टिक कर देना है। ये करने के बाद आपको APN टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको APN टाइप से भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, APN प्रोटोकॉल पर आ जाना है, और APN प्रोटोकॉल में भी आपको सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको रोमिंग प्रोटोकॉल पूछ रहा है, तो इससे भी आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा बीरर पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, LTE HS PAP और HS PA, तो तीनों को टिक करके ओके कर लेना है। इतना काम करने के बाद भी दोस्तों आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। पहले इसे एक्टिवेट करना है, फिर आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, उस ऐप में इसको रनिंग करवाना होगा, तब जाके आपकी सारी प्रोसेस पूरी होगी। तो यहाँ पर आपको इसे सबसे पहले काम करना है, सेव करना है। तो ये अपन ने यहाँ पर इसे सेव कर लिया, और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया APN। अब आपको क्या करना है, इसे एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। जैसे अभी जियो 4G एक्टिवेट, अगर मैं इसे नीचे टिक करूँगा तो ये सेकंड वाला एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका ये APN एक्टिवेट हो चुका है। ये APN एक्टिवेट होने के बाद आपका नेट बहुत ही फास्ट चलने वाला है, और अपन ने एक्टिवेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आपको डाउनलोड करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर इस ऐप को रनिंग कराना है। वहाँ पर एक अलाइव का ऑप्शन होता है, उसे टिक कर दोगे। जब आप उसे अलाइव रनिंग करवा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, और आपकी इंटरनेट स्पीड 5G की हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन में 5G का APN नहीं
नहीं है यानी कि 5G का बैंड नहीं है तो भी आपका 5G नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कैसे 4G से आपको 5G बैंड लगाना है फ़ोन के अंदर ताकि आपकी स्पीड तेज़ हो जाए, आपका नेट बहुत स्लो चलता है तो आपका नेट फास्ट चलना स्टार्ट हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा हमारा अपना एमकिंग टिप्स।